हेलो एवरीवन, वेलकम टू खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हम बुरहानपुर जिला डिस्कस करेंगे। मध्य प्रदेश का एक जिला है, बुरहानपुर जिला डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने बहुत से लेक्चर जिलो वाइज डाल चुके हैं, आप हमारे इस चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट करके देख सकते हैं। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माई नेम इज़ विक्रम खंडेलकर और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर लेक्चर पसंद आता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, निश्चित ही आपको हमारे इस चैनल से मदद मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं फ्रेंड्स, ज़्यादा देरी ना करते हुए। बुरहानपुर जिला बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन होने वाला है ये लेक्चर, बस आपको पूरे समय तक देखना है। देखिए, मध्य प्रदेश का एक प्रमुख शहर जो ताप्ती नदी के किनारे पर स्थित है, मध्य प्रदेश का एक प्रमुख जिला या शहर है जो ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। याद रखना है किसके किनारे स्थित है, ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। यहाँ खान देश की राजधानी रहा है, एक खान देश था तो खान देश की राजधानी रहा है बुरहानपुर। इंपॉर्टेंट है, खान देश की राजधानी बुरहानपुर था। उसके बाद देखिए, बुरहानपुर को 14वीं शताब्दी में खान देश के फरुक्की वंश के सुल्तान मलिक अहमद के पुत्र नासिर द्वारा बसाया गया था। किसने बसाया था बुरहानपुर को 14वीं शताब्दी में? खान देश के फरुक्की वंश के शासक सुल्तान मलिक अहमद के पुत्र नासिर द्वारा बसाया गया था। ये याद रखना है, मलिक अहमद के पुत्र नासिर द्वारा बसाया गया था। बुरहानपुर में अब्दुल रहीम खाने खाना, इन्हीं को रहीम कहा जाता था। इन्हें ही रहीम कहा जाता था और रहीम के पिता थे भैरम खां, तो ये भी याद रख सकते हैं आप। तो बुरहानपुर में अब्दुल रहीम खाने खाना द्वारा बनाई गई प्रसिद्ध अकबरी सराय भी स्थित है। तो अकबरी सराय पूछा जा सकता है, बुरहानपुर में स्थित है फ्रेंड्स, याद रखना है। तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री थी इससे सामने की, जिससे आपको पता चल सके कि बुरहानपुर कैसे स्थापित हुआ था। बुरहानपुर को उद्यानों की नगरी भी कहा गया है। इसका स्रोत क्या है, कहाँ पे कहा गया है? आईने अकबरी में कहा गया है। आईने अकबरी किसने लिखा है? अबुल फजल ने, तो ये भी याद रखना है फ्रेंड्स। बात करते हैं, यहाँ से कुछ डाटा दिया हुआ है बुरहानपुर जिले से, तो इसको देख लेते हैं। बुरहानपुर की जनसंख्या 10 लाख से कम है, यानी कितनी है? 7,56,993 जनसंख्या इस जिले की, मात्र 7,56,993 जनसंख्या है मात्र इस जिले की। इस जिले का पर्सनल लिंग अनुपात देखा जाए तो 951 है फ्रेंड्स, 951 लिंग अनुपात है इस जिले का। इस जिले की लिटरेसी रेट, साक्षरता दर देखा जाए तो 64.4% है। और जनसंख्या घनत्व देखा जाए, मान लो इस जिले का, तो ज़्यादा नहीं है लेकिन 221 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, 221 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इस जिले का क्षेत्रफल भी अगर देखा जाए तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, 3,427 वर्ग किलोमीटर है, 3,427 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद इस जिले का गठन कब हुआ था, तो ये आपको याद रखना है, ये जिला खंडवा जिले से ही अलग हुआ है, खंडवा के दक्षिण में है। आप देख सकते हैं महाराष्ट्र से लगा हुआ है, खंडवा के दक्षिण में है। मैप देखना आप, याद आ जाएगा सब। ये 15 अगस्त 2003 को जिला बना खंडवा जिले से अलग करके, इसे 15 अगस्त 2003 को जिला बनाया गया, तो याद रखना है तारीख। तारीख अगर याद नहीं भी आती तो 2003 याद रखो, 15 अगस्त 2003, और खंडवा से अलग होके बना है बुरहानपुर, और खरगोन से अलग होके बना था, इसके पहले अपन ने पढ़े थे बड़वानी, तो ये सब याद रखना है। डाटा दिए हुए हैं सब 2011 की जनगणना के अनुसार। इस जिले में 3 ही तहसील हैं, इस जिले में सिर्फ 3 तहसील है। 3 तहसील में कौन सी है? एक है बुरहानपुर, दूसरी है नेपानगर, का नाम तो सुना ही होगा आपने, नेपानगर बहुत प्रसिद्ध है। कहाँ पे है ये? बुरहानपुर में। और एक है खाकनार। तो 3 तहसील मिल जाती है इस जिले में, एक तो बुरहानपुर हो गया, खाकनार और नेपानगर, 3 ही तहसील है, इसलिए याद रखना है। तहसील भी याद रख लीजिए, जीके पढ़ रहे हैं तो तहसील भी पता होना। उसके आगे देखते हैं अब क्या क्या इस जिले से इंपॉर्टेंट है। वीडियो को ध्यान से देखना है, बहुत ही जबरदस्त होने वाला है ये वीडियो। आसीरगढ़ का किला, इस आसीरगढ़ का किला इस जिले में एक इंपॉर्टेंट किला है।
एक फोर्ट है, किला है, आशीष आशीरगढ़ का किला। इस किले का निर्माण आशा राम नामक अहीर ने बनवाया था, आशा राम नामक अहीर ने बनवाया था। तो यहां से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं देख लेते हैं। आशीरगढ़ के किले को अकबर ने 1601 में जीता था, 1601 में जीता था और अकबर की अंतिम विजय थी ये, अंतिम विजय, आखिरी विजय किया उसने, उसके बाद जीतना बंद हो गया था, तो अकबर की अंतिम विजय थी। तो ये भी याद रखना है, आशीरगढ़ का किला अकबर की अंतिम विजय थी। और ऐसा कहा भी गया है कि अकबर ने इस किले को छल से नहीं बल से नहीं बल्कि छल से जीता था, बल से नहीं बल यानी बल से नहीं बल्कि छल से जीता था। अकबर ने इस किले को बल से नहीं बल्कि छल से जीता था, अकबर की अंतिम विजय थी, 1601 में जीता था। तो आशीरगढ़ के किले को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, ये डायरेक्ट पूछा जाता है। आशीरगढ़ के किले को दक्षिण में प्रवेश करते थे, इस किले को जिसने जीत लिया तो ये समझ लो दक्षिण में प्रवेश होना ही होना है, इसलिए इस किले को दक्षिण भारत भी जीत सकता है, यानी इस किले को जिसने जीत लिया तो दक्षिण भारत में उसकी एंट्री बढ़ जाती है, तो उम्मीदें बढ़ जाती है। तो इस किले को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है फ्रेंड्स, याद रखना है। समझ में आ गया इतना क्या क्या बताया मैंने आपको। आगे चलते हैं, नेपा नगर में ही नेशनल न्यूज कारखाना स्थित है, नेशनल न्यूज प्रिंट का कारखाना स्थित है कहां पे, नेपा नगर में नेशनल न्यूज प्रिंट का कारखाना। इसको हिंदी में बोलते हैं अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है या अखबारी कागज का कारखाना, अखबारी कागज छपते हैं यहाँ पे, अखबारी कागज का कारखाना या अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, सार्वजनिक क्षेत्र का कारखाना है ये। इसकी स्थापना कब हो गई थी, 1948 में हो गई थी, तो ये याद रखना है, कभी स्थापना भी आ सकती है। 1948 में इसकी स्थापित हो गया था, ये स्थापना हो गई थी या स्थापित हो गया था, लेकिन कार्य कब से चालू हुआ था, तो 26 अप्रैल 1956 से इसमें कार्य प्रारंभ हुआ। तो अब जैसा पूछा जाएगा वैसा जवाब देना है, 1948 में स्थापना, 1956 से कार्य प्रारंभ, तो ये दोनों याद रखें। तो नेपा नगर क्यों प्रसिद्ध है, नेपा नगर नाम की तहसील है क्यों प्रसिद्ध है, नेपा नगर अखबारी कागज या नेशनल न्यूज प्रिंट कारखाने के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन चलते, इसी जिले में बेगम मुमताज महल की कब्र भी है, तो बेगम मुमताज महल, बेगम मुमताज महल से तो आप उसको तो जानते ही होंगे आप, बेगम मुमताज महल जिसके जिसके जिसका जिसकी कब्र के ऊपर आगरा में ताजमहल बना गया है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है मुमताज महल की कब्र कहां पर है, मुमताज महल की कब्र सबसे पहले इसे बुरहानपुर में दफनाया गया था, ऐसा लिखा मिलता है कि मुमताज अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए उसकी मृत्यु हो गई थी और उस समय वो बुरहानपुर में थी, तो उसे बुरहानपुर में ही दफना दिया गया था, उसे बुरहानपुर में ही दफना दिया गया था, उसे उस समय बुरहानपुर में ही दफना दिया गया था। बाद में इसकी समाधि को यहाँ से निकाल के, बाद में इसके शव को, इस समाधि को यहाँ से निकाल के, यहाँ से इसकी कब्र को निकाल के आगरा ले जाया गया और आगरा में ताजमहल बनने वाला था वहाँ दफनाया गया। तो ताजमहल जहाँ बना है, ताजमहल के बीचों बीच में है, वहाँ पे है। तो याद रखना है फ्रेंड्स, मुमताज महल को पहले बुरहानपुर में दफनाया गया था, ऐसा लिखा मिलता है कि वह अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए उसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये आप भूलेंगे नहीं, यहाँ से याद रखना है। इस किले में ही यानी इस जिले में ही बेगम मुमताज महल की कब्र भी मिल जाती है। बेगम मुमताज महल की कब्र कहाँ पर है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा बुरहानपुर में। आगे चलते हैं, शाहजहां शहजादा परवेज का मकबरा भी यहीं पे है। शहजादा परवेज, शहजादा परवेज को बताऊं क्या मैं आपको कौन थे ये, शहजादा परवेज जो थे ये बादशाह जहांगीर का दूसरा लड़का था, बादशाह जहांगीर के दूसरे लड़के थे शहजादा परवेज। तो ये आपको पता होना, बादशाह जहांगीर के दूसरे लड़के थे, तो ये आप यहाँ देख सकते हैं। परवेज का मकबरा भी यहीं पे है, शहजादा परवेज का मकबरा भी यहीं पे है। दौलत खां लोधी का मकबरा भी यहीं पे है, दौलत खां लोधी का मकबरा भी यहीं पे है, याद रखना है। और क्या क्या है, तो यहाँ पे एक लोधीपुर नामक स्थान है फ्रेंड्स, लोधीपुर यहाँ का यहाँ पे एक स्थान है, वहाँ पे एक प्रसिद्ध दरगाह है जिसका नाम है दरगाह ए हकीमी। यहाँ पे एक दरगाह है बुरहान पे, लोधीपुरा में एक दरगाह है जो बहुत ही प्रसिद्ध दरगाह है, दरगाह ए हकीमी, जो बोहरा संप्रदाय का पवित्र
बोहरा संप्रदाय का प्रसिद्ध धार्मिक स्थान है। एक बोहरा संप्रदाय होता है, एक जाति है बोहरा, मुसलमान में एक जाति है बोहरा। तो बोहरा संप्रदाय का एक प्रसिद्ध धार्मिक केंद्र है इस दरगाह ए हकीमी को और क्या तो बोलते हैं फ्रेंड्स, धार्मिक केंद्र है बोहरा संप्रदाय का, धार्मिक केंद्र है ये याद रखिए, दरगाह ए हकीमी बोहरा संप्रदाय का जन्नत भी कहते हैं इसे, बोहरा संप्रदाय की जन्नत है ये एक प्रकार की। ये इतना प्रसिद्ध और पवित्र स्थान है, धार्मिक केंद्र है एक प्रकार का, लोधीपुरा में है दरगाह ए हकीमी, याद रखना है। जो कहाँ पे आता है, जो बुरहानपुर में आता है, तो अब आपको याद आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं और इस जिले से क्या क्या क्वेश्चन बन जाते हैं देख लेते हैं। बुरहानपुर में पूरन साहब ने 1829 में कबीर मंदिर की स्थापना की थी। ये कबीर मंदिर को इम्पॉर्टेंट है, इसे कबीर निर्णय मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। इसका नाम ही है कबीर निर्णय मंदिर। ये क्वेश्चन आ सकता है, कबीर निर्णय मंदिर कहाँ पर है? बुरहानपुर में है। किसने स्थापना की थी? पूरन साहब ने। उसके बाद अहूखाना देख लेते हैं। अहूखाना आलम आरा वही स्थान है जहाँ पे, वो स्थान का नाम है, वो प्लेस का नाम है जहाँ पे मुमताज महल को दफनाया गया था। तो ये याद रखना है, उसकी कब्र थी यहाँ पे अहूखाना में, बहुत महीने तक के यहीं पे दफना दिया गया था, उसके बाद यहाँ से निकाल के ले गए हैं। तो जहाँ दफनाए थे वो जगह का नाम है अहूखाना, जिसे आलम आरा कहते हैं, जो बुरहानपुर में है। तो अहूखाना क्या है, वहाँ पे दफनाया गया था, जगह का नाम है, याद रखना है। बाग ए जौनाबाद पार्क त्राप्ती नदी के किनारे है। बाग ए जौनाबाद पार्क में है, ये पार्क है, पार्क के अंदर है अहूखाना, वो त्राप्ती नदी के किनारे है, तो इसको भी याद रख लेना है। तो महत्वपूर्ण है कि शाहजहां की पत्नी मुमताज महल को सर्वप्रथम यहीं दफनाया गया था। मैंने बताया ना, जो अभी वही है, अहूखाना, आलम आरा, बाग ए जौनाबाद पार्क, ताप्ती नदी के किनारे। महत्वपूर्ण है कि शाहजहां की पत्नी मुमताज को यहीं सर्वप्रथम दफनाया गया था। बुरहानपुर जो है वो सिख धर्म का भी पवित्र स्थान है, बुरहानपुर सिख धर्म का भी पवित्र स्थान है फ्रेंड्स। और शेख बुराउद्दीन के नाम पे एक संत हुए हैं, एक प्रसिद्ध सूफी संत हुए जिनका नाम था शेख बुराउद्दीन। शेख बुरहान उद्दीन के नाम पर इस जिले का नाम बुरहानपुर पड़ा। प्रसिद्ध सूफी संत शेख बुरहान उद्दीन के नाम पर इसका नाम बुरहानपुर पड़ा। तो कैसे पड़ा नाम, आप पता चल गया आपको। नेपा नगर में चांदनी ताप विद्युत केंद्र है और यह मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र है। मध्य प्रदेश का पहला ताप की बात हो रही है, याद रखना है, कोयले से बनती थी बिजली, ताप की बात हो रही है, ताप विद्युत केंद्र है, जल की नहीं हो रही है, ताप की हो रही है। तो पहला ताप विद्युत केंद्र है चांदनी ताप विद्युत केंद्र, यह मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र है। और ये ताप विद्युत केंद्र की स्थापना ये नेपा नगर में जो नेशनल न्यूज प्रिंटिंग का कारखाना है ना, उसकी जल आपूर्ति के लिए की गई थी इसकी स्थापना, है ना, शुरू में, तो ये भी याद रख लेना है। आसीरगढ़ के किले को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं, ये बात हो गई, ये बता दिया हूँ मैंने, आसीरगढ़ के किले को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। तो फ्रेंड्स हम पहुँचे थे आसीरगढ़ को दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ये याद रखना है आपको। आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश का पहला यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय बुरहानपुर में, आपने सुना होगा और पढ़ा भी होगा, मध्य प्रदेश का पहला या एकमात्र, ये बहुत कम जगह होते हैं यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, तो मध्य प्रदेश का पहला यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय बुरहानपुर में डायरेक्ट पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है, सीधे इसे जीके याद रखना है। बुरहानपुर शहर त्राप्ती नदी के तट पर बसा हुआ है। तो बुरहानपुर जो शहर है या बुरहानपुर जिला है, जिला का जो मुख्यालय है, जो शहर है, वो ताप्ती नदी के तट पर बसा हुआ है। ताप्ती नदी आप जानते हैं बैतूल से निकलती है, पूरब से पश्चिम की ओर जाती है, खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, तो उसके किनारे बसा है। आसीरगढ़ के किले को डक्कन की चाबी तथा गेटवे टू सदर्न इंडिया भी कहा जाता है, आपको याद रखना है, गेटवे टू सदर्न इंडिया भी कहा जाता है। आगे चलते हैं, प्रसिद्ध स्थानों में
राजा की छतरी मिल जाएगी आपको यहाँ पर, राजा की छतरी देखने लायक है। और इच्छा देवी का मंदिर इंपॉर्टेंट है, इच्छा देवी मंदिर बुरहानपुर में है, इच्छा देवी माता का मंदिर है, इच्छा देवी माता मंदिर। उसके बाद खूनी भंडारा भी है यहाँ पे, एक खूनी भंडारा। इसके अलावा शाही इमाम, एक शाही इमाम भी है, शाही इमाम, शाही इमाम नाम की जगह आपको मिलेगी यहाँ पे। उसके बाद एक गुरुद्वारा भी है, सिख धर्म का भी पवित्र स्थान है ये आप जानते हैं, तो एक गुरुद्वारा भी है यहाँ पे जिसका नाम है सिख गुरुद्वारा। और मोती महल इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक महल है मोती महल। और ये जो मोती नाम की बेगम थी, ये शाहजहाँ की एक और बेगम थी जिसका नाम था मोती, और उसी की याद में मोती महल भी बनाया गया और वहीं पर उसका मकबरा भी है। तो मोती बेगम का मकबरा भी वहीं पर है, तो मोती बेगम का मकबरा, उसके ऊपर महल बना है, तो महल मोती महल है। तो मोती महल याद रखना है, शाहजहाँ ने बनवाया था, यहीं पर है, स्थित है, इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे यहाँ से रिलेटेड। और देखते हैं, मुगल काल में प्रमुख रुई निर्यातक क्षेत्र था, तो रुई यानी कपास होता है इस इधर साइड निमाड़ तरफ, तो रुई निर्यातक क्षेत्र था मुगल काल में, तो आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, आसिरगढ़ के किले में तीन स्तर है, उसके तीन स्तर है। ऊपरी स्तर को परकोटा कहा जाता है, और तथा शेष को कमरगढ़ स्थल कहा जाता है, कमरगढ़ स्थल व मलयगढ़ कहलाता है। तो उसके तीन स्तर है, तो तीनों स्तर के नाम अलग अलग है, परकोटा, कमरगढ़ और मलयगढ़, याद रखना है आपको। अब बुरहानपुर के दर्शनीय स्थल देखते हैं, और याला चैप्टर खत्म, याला बुरहानपुर खत्म। तो बुरहानपुर के दर्शनीय स्थल देखना है, जो जो इंपॉर्टेंट दर्शनीय स्थल है, बस इतने रह गए। दर्शनीय स्थल में महल गुल आरा, एक महल बना हुआ है, महल गुल आरा, ये इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे महल गुल आरा है बुरहानपुर में। शाहनवाज खां का मकबरा इंपॉर्टेंट है, शाहनवाज खां का मकबरा, इसे काला ताजमहल कहा जाता है, इसे जो है काला ताजमहल कहा जाता है, याद रखना है, काला ताजमहल कहा जाता है। बीबी की मस्जिद इंपॉर्टेंट है, बीबी की मस्जिद बेगम रुकैया ने बनवाई थी, बेगम रुकैया ने बनवाई थी, तो ये भी याद रखना है। बादशाही किला, बादशाही किला मिलेगा बुरहानपुर में। उसके बाद फरुक्की किला भी है वहाँ पे, एक फरुक्की किला, फरुक्की वंश का। और आदिल शाह की मजार, आदिल शाह का मकबरा या आदिल शाह की मजार पूछा जाएगा तो यहीं पे। राजघाट जलपूर्ति प्रणाली कुंडी भंडार यहीं पे, मूल सुख और चिंतारण भंडार यहीं पे। हमाम महल इंपॉर्टेंट है, हमाम महल। और शाही किला इसी जिले में पड़ जाएगा, शाही किला। और मुगल सेनापति जयसिंह की मृत्यु बुरहानपुर में हुई थी, मुगल सेनापति रहे हैं जयसिंह, जिनकी मृत्यु बुरहानपुर में हुई थी। यहां राजे की छतरी है, जिसे औरंगजेब ने जयसिंह के सम्मान में बनवाया था, जिसे औरंगजेब में जयसिंह के सम्मान में बनवाया था। और तो यहां से इतना ही फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना है, आप एक दो बार याद रखने के लिए आप इसे एक दो बार वीडियो को देख सकते हैं, और जो चीज़ नहीं बनेगा, जो चीज़ आपको बनता है वो तो आपको याद रहेगी, जो नहीं पता था उसको आप यहाँ देख सकते हैं और लिख के देख सकते हैं, जिससे आपको याद रखने में आसानी जाए। तो बुरहानपुर दक्षिणी जिला है, मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है। तो इस लेक्चर में इतना ही, वीडियो अगर पसंद आएगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले समय में अच्छे लेक्चर आपको मिलने वाले हैं, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, नमस्ते।